उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुत सारे देवी देवताओं ने जन्म लेकर इस प्रदेश की धरती को धन्य किया है। आज हम उसी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं अगली वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने स्वर्ग से लाया था। इस पेड़ के फूल अपना रंग बदलते हैं। उत्तर प्रदेश 2016 की रिपोर्टों के अनुसार भारत में आपराधिक मामलों में सबसे नंबर एक पर है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उन चार पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और सन 2013 में इलाहाबाद में जब कुंभ का मेला लगा था तो सबसे बड़ी मानव सभा थी, जहां पर करीब 120 मिलियन लोग इकट्ठा हुए थे और तीर्थ यात्राएं दर्ज की गई थी, करीब 12 करोड़ लोग। ये एक बहुत विशाल जनसंख्या थी जब उस मेले में इतने लोग इकट्ठा हुए। उत्तर प्रदेश पर्यटन में सबसे शीर्ष पर है। यूपी में प्रत्येक वर्ष 7 मिलियन से अधिक यात्राएं दर्ज की जाती हैं, जो कि भारतीय अदर राज्यों में सबसे ज़्यादा टूरिज्म है। दोस्तों, क्या पता है कि वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? यह प्रदेश में स्थित है। वाराणसी को दुनिया में बसे शहरों में से सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। ये शहर 3000 साल पुराना है और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में ही है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जो कि जिनका जन्म इलाहाबाद में ब्रिटिश भारत में हुआ था। दोस्तों, एक और रोचक तथ्य है, जो कि उत्तर प्रदेश के मधोपट्टी गांव में एक 75 परिवार का एक गांव है, जहां पर अप्रत्याशित दिनचर्या होने के बावजूद भी उस गांव से 47 IAS IPS अधिकारी तैनात हैं अपने भारत में। तो सोचिए, इतने छोटे से गांव पर जहां पर कोई उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, जहां की नालियां आज भी वैसे ही पड़ी हैं जैसे कि एक नॉर्मल गांव की होती हैं, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, उसी तरह की सुविधाएँ उधर गाँव में भी हैं, लेकिन वहाँ से 47 IAS IPS अधिकारी निकले हैं। तो सोचिए, कैसे निकले होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम है snapdeal.com। जी हाँ, snapdeal.com, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है। ये गांव है उत्तर प्रदेश के ही ज़िले मुजफ्फरपुर नगर में। तो मैं बताऊंगा कि इसका नाम यार snapdeal.com कैसे पड़ गया, क्या आपने सोचा है? दोस्तों, इस गांव का पुराना नाम शिवनगर था, लेकिन यहाँ गाँव वाले लोगों को एक समस्या थी, जो कि उन्हें पानी दूर लेने जाना पड़ता था। और स्नैपडील कंपनी ने वह उस गांव में 15 हैंडपंप लगवा दिए, जिसके वजह से लोगों को पानी अपने गांव में ही मिलने लगा, जिसके वजह से उन लोगों ने अपने गांव का नाम जो है snapdeal.com रख लिया। अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे वीडियो अगर आए तो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।